हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। और 11 चैप्टर जो बहुत ही आसान है, और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? देखो, जैसे हम एक सिंपल सी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने ये लिखा, सिंपल सी एक इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट आ रहा है और इक्वल का सिंबल आ रहा है। इक्वल का सिंबल आ रहा है मतलब ये इक्वेशन है। ठीक है, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और इक्वल से जो बनता है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। नो सॉरी, ये क्या है? इक्वेशन है सिंपल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जैसे मान लेते मैंने ये लिखा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। जैसे ये लिखा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वर्ग के टर्म्स नहीं है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी आ रहा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। नहीं, इनके अंदर क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरह के टर्म्स आ रही हैं। तो जिस इक्वेशन में इक्वेशन भी है, क्योंकि इक्वल से बना रहा था, दिस इज इक्वेशन, और इसमें डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जैसे टर्म्स भी आ रही हैं, तो क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यानी जिसमें डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स शामिल हो जाए ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना हमें। इसमें क्या होता है? इसमें तीन चीज़ें बतानी होती है। ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और वो लीनियर है नॉन लीनियर है, ये हमें बताना है। ठीक है, क्या बताना है? ऑर्डर, डिग्री एंड क्या होता है? ऑर्डर, डिग्री और लीनियरिटी, कि वो लीनियर है नॉन लीनियर है, ये बताना है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद इन विच इट अकर। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या कहता है ऑर्डर क्या होता है। देखो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन से बता दूँगा, आप समझ जाओगे आराम से, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। जैसे सपोज करो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस कोस वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको हमने बताना है कि ये इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, और लीनियर है नॉन लीनियर है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी बता दूंगा सब चीज़ें। देखो क्या होता है, इसको जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो क्या कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या होगा यहाँ पे, माइनस कोस वाई डी वाई, इसको मैं इधर लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बोलो क्या जाएगा, कर दो इसको स्टार्ट, ये इधर अगर ये इधर चले जाएगा तो क्या होगा, माइनस कोस एक्स अपॉन कोस वाई आ जाएगा। चाहे आप कोस वाई को इसके साथ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखो इसको अच्छे से देखो, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब जिसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है, जिस टर्म के अंदर मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है वो ये है, वाई का सिर्फ एक बार ही डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, तो इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो टर्म देखो जिसमें y का मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है, तो यही एक टर्म है जिसमें y का सिर्फ एक बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसके लिए इसका ऑर्डर क्या होगा, वन। तो ऑर्डर क्या होता है, हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो टर्म ढूंढेंगे जिसमें हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या वो देख लें, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, y का सिर्फ एक बार हुआ डेरिवेटिव, इसको देख के हमें क्या पता लग रहा है कि y का डेरिवेटिव सिर्फ एक बार हुआ है, इट मीन्स ऑर्डर इज वन। ठीक है, ये तो होता है ऑर्डर। अब आता है डिग्री। डिग्री देखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जितने भी जो भी ये इक्वेशन है, इसमें सभी की पावर पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए। डिग्री देखने से पहले क्या हो गया, जो भी तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन रखी है उसमें सबकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए। कोस वाई की पावर वन है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी पावर वन है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी पावर भी वन है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें क्या हो गया, सबकी पावर पॉजिटिव इंटीग्रल देखोगे। तो फिर क्या करना है, फिर डिग्री कैसे निकालेंगे, डिग्री निकालने के लिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है जिसको देख के आपने ऑर्डर बताया है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, दैट विल बी द डिग्री। इसकी पावर कितनी यहाँ पे, वन है, डी वाई डी एक्स को देख के हमने ऑर्डर बताया था, इसकी पावर क्या यहाँ पे, वन है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, वन, ऑर्डर वन, डिग्री वन। अब आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर या डी थ्री वाई अपन डी एक्स क्यूब, इस तरह की जो टर्म्स होती हैं वो पावर में नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए, यानी उनकी डिग्री वन होनी चाहिए, सीधी सी बात यह है।
डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की जो पावर्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, यानी ये सब सिंगल डिग्री की होनी चाहिए। और इनके साथ क्या नहीं होना चाहिए, वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई नहीं होना चाहिए। अगर डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर पावर आ रही है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पर पावर आ रही है, या इनके साथ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, सॉरी फंक्शन ऑफ वाई आ जाए, वाई मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो देखो डी वाई बाई डी एक्स में दो वेरिएबल होते हैं, ये होता है इंडिपेंडेंट, ये होता है डिपेंडेंट, ये होता है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए इनके साथ। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वाई की टर्म मारे तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आ जाए डी वाई बाई डी एक्स साथ तो क्या होगी, नॉन लीनियर। ठीक है, तो नॉन लीनियर क्या होती है वो फिर से समझ लो। डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए, पावर होगी तो क्या होगा, नॉन लीनियर। डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या होगा, फंक्शन ऑफ वाई जाए तो भी क्या होगा, वो नॉन लीनियर होगा। तो फिर लीनियर क्या होती है, लीनियर के लिए मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे यहाँ देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स के मैंने एक टर्म लिख दी, सेवन डी वाई बाई डी एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको चेक करना है लीनियर या नॉन लीनियर है। तो अब क्या देखोगे, यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है और डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। ऑर्डर क्या है इसका, टू, क्योंकि मैक्सिमम दो पर हुआ डेरिवेटिव, ऑर्डर इज टू। इसको देख के हमने ऑर्डर बताया, इसकी पावर क्या है, वन, तो डिग्री क्या होगी इसकी, वन। अब बताना है ये लीनियर या नॉन लीनियर है। मैंने क्या कहा था, क्या यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर पावर आ रही है, नहीं आ रही, इनकी डिग्री वन है, यानी इनके ऊपर कोई पावर नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई डी एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं आ रही, पहली बात। दूसरा, इनके साथ कोफिशेंट ऑफ वाई, यानी वाई की टर्म्स नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ रहे इनकी मल्टीप्लाई में, तो क्या दिस इज लीनियर। और इसके अलावा क्या होंगी, सारी नॉन लीनियर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कारण बता दूँ क्या लिखोगे यहाँ पे, अब लिखना बिकॉज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ नो पावर इन डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड नॉट कंटेनिंग एनी डिपेंडेंट वेरिएबल विद डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सो दिस इज लीनियर। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे इसके साथ क्या रहा है, वाई की टर्म आ रही है, तो क्या दिस इज क्या बताइए, नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर, चलो क्या आपको, ठीक है, समझ जाओगे धीरे धीरे। और देखो अभी और समझ जाओगे, जैसे ये देखो वन प्लस एक्स वाई इंटू में वाई और डी एक्स प्लस क्या है यहाँ पे, वन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये देखो इसको हमने चेक करना है लीनियर है नॉन लीनियर है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ में जाएगा आराम से आपको, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे अपन। ठीक है, तो ये क्या होगा, वन माइनस एक्स वाई इंटू में एक्स, ये क्या होगा, माइनस वन प्लस एक्स वाई इंटू में वाई, ये आ जाएगा। अब इसको देखो बेटा, आप इसको अच्छे से देखो, सबके पावर्स क्या बताओ, सबके पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये चेक करोगे आप। उसके बाद देखो, अब बताओ इसका ऑर्डर, इसमें वो टर्म ढूंढो जिसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है, ये डी वाई बी डी एक्स का यहाँ पे एक बार वो डेरिवेटिव मैक्सिमम, तो ऑर्डर इज वन। ठीक है, डिग्री क्या होगी, इसको देख के बताओ इसकी पावर, इसको हमने देख के ऑर्डर बताया, तो इसकी पावर का यहाँ पे वन है, तो डिग्री इज वन। अच्छा, अब देखो डी वाई बी डी साथ क्या आ गया, वाई की टर्म आ रही, आ रही नहीं आ रही, तो दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर है, तो लीनियर क्या होगी, डी वाई बी डी साथ कुछ नहीं होना चाहिए था, कॉन्स्टेंट होना चाहिए था सिर्फ। ठीक है, यानी एक्स या वाई टर्म नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर पावर भी नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी बात अगर होती है तो वो नॉन लीनियर, और अगर कोई नहीं होती तो क्या हो गया, लीनियर, तो दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखो, ठीक है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, आप अच्छे से अगर सारे क्वेश्चन कर लोगे ना मेरे साथ साथ तो आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये देखो इसको बताना है, डिग्री क्या है इसको बताओ ना, पहले ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा इसका, टू, क्योंकि देखो ये टर्म में है, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव दो पर हुआ है, तो ऑर्डर इज टू। डिग्री बताओ, डिग्री क्या होगा, इसको देख के हमने ऑर्डर बताया, ये मैक्सिमम ऑर्डर टर्म है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है, इसको देख के हमने ऑर्डर बताया, तो इसकी जो पावर वो देखो, इसकी पावर कितनी यहाँ पे वन है, तो डिग्री इज वन। ठीक है, अब जो लीनियर है नॉन लीनियर है, यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या आ गया, वाई आ गया,
है ना, तो क्या हो गया, दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, अगर यहाँ पे y नहीं होता, मान लो ये y हट जाता, तो फिर क्या बनती, लीनियर बन जाती। ठीक है, चौथा देखो, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस में 3y डिट टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सवाल है, ये हमें दे रखी इक्वेशन, क्या करना है, इसका डिग्री ऑर्डर और बताने हैं। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर बताओ, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कितनी है, हाईएस्ट मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, यहाँ तो एक बार हुआ डेरिवेटिव, इसमें दो बार डेरिवेटिव हुआ, तो मैक्सिमम क्या हो, दो बार हो गया ना, तो ऑर्डर इज 2। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 का। डिग्री बताओ, डिग्री डिग्री देखो, डिग्री इसमें डिग्री यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी वाई डी एक्स की पावर 4 है, यहाँ डी टू वाई डी एक्स की पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ये थी ना, इसमें ऑर्डर देख के हमने 2 बताया था, तो इसकी पावर देखोगे, इसकी पावर कितनी, यहाँ पे 1 है, तो डिग्री इज 1। ये पावर मत देखना, किसके टर्म देखनी है, जिस टर्म को देख के हमने ऑर्डर बताया, जो मैक्सिमम ऑर्डर वाली टर्म है, मैक्सिमम डेरिवेटिव वाली टर्म है, उसकी पावर है ना, वही क्या होगी, डिग्री कहलाएगी, तो डिग्री होगी इसके 1। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ गया, वाई आ गया, तो क्या होगा, दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, पाँच देखना, तो ऐसे सब ने ये करने हैं सारे। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, सारे सारे कर दोगे, इस एक्सरसाइज में यही करना है, और याद रखना इसमें से एक ऑब्जेक्टिव लगभग आ जाता है, तो आपने अपना एक नंबर फिक्स करना है आज, इसको तैयार कर लो अच्छे से, इसका बताना डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, और वो क्या है ना, देखो बता, ऑर्डर देखो, ऑर्डर मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ है इसमें, इसको देखो 2 बार हुआ है, ऑर्डर इज 2। डिग्री बताओ, इसको देखो ऑर्डर बताया, इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 1। इसके साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई की टर्म आ रही है, या ये देख लो इसके ऊपर पावर भी आ रही है, तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, वो नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन, दिस इज 5th क्वेश्चन। ठीक है, 6th में एक डाउट है, बच्चों को डाउट रहता है इसके अंदर, वो समझ लो, डाउट्स तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमने क्या करना है बताओ, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करोगे, अपन इसको इधर ले आएंगे लो, तो ऐसे क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना भाई, और अपन क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स आने के बाद में यहाँ क्या होगा बताओ, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई देखो, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो क्या होगा इसका ऑर्डर 1, क्योंकि एक बार हुआ डेरिवेटिव। डिग्री बताओ, डिग्री डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री इसकी 1 आएगी, क्योंकि इसकी पावर 1 है। अब देखो, मैंने ये भी कहा था कि पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, यहाँ पे पावर क्या आएगी, 1/2 आएगी, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर तो पावर नहीं ना, डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई अपॉन डी एक्स के पावर अगर नॉन इंटीग्रल हो ना, तो हमने पहले उसको इंटीग्रल बनानी है। यहाँ पर ना तो ये रूट डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर लगा हुआ है, ना डी टू वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है, वेरिएबल्स के ऊपर लगा हुआ, तो यहाँ लगने तो क्या दिक्कत आती है, तो ये क्या, दिस इज, बोलो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे, हम स्केयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्केयरिंग कब करते हैं, जब डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर अगर आ जाए, है ना, तो अपन क्या करेंगे, फिर अपन इसका स्केयरिंग करते हैं, मान लो इधर रूट लगा होता है, फिर हम स्केयरिंग करेंगे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान रखना कि डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स की जो पावर्स है, दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीग्रल, बाकी चाहे पड़ेगा कोई भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डिग्री बताने के लिए पहले ये हमें ध्यान रखना है, उसके बाद में डिग्री बताएंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर तो पावर 1 ही है, तो क्या नॉन इंटीग्रल पावर आ गई, सॉरी इंटीग्रल पावर आ गई, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है इसकी, तो डिग्री इसकी हो जाएगी 1। अब बताओ ये लीनियर या नॉन लीनियर है, तो जब इसको इधर लेके आएंगे, हम इधर लेके भी आ सकते हैं, तो इधर लेके आओगे तो क्या होगा, इसके साथ क्या आ गया, वाई आ जाएगा, तो डी वाई बाई इसके वाई के साथ वाई की टर्म्स आ जाएगी, तो क्या हो गया, नॉन लीनियर। ठीक है, ऐसा करना है। 7 देखो, 7 वाई डबल डैश प्लस 3y डैश का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको बताने लीनियर है नॉन लीनियर है, कल तो ये बताओ ना, पहले ऑर्डर बताओ, y डबल डैश मतलब डी टू वाई पॉइंट डी एक्स करें, तो इसका ऑर्डर क्या, 2 है, इसको देख के बता देंगे कि इसका 2 बार हुआ डेरिवेटिव, ऑर्डर इज 2। डिग्री बताओ, इसके ऊपर
इसको देख के हमने ऑर्डर बताया है। इसकी जो पावर है वो कितनी है यहाँ पे, वन है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, वन। अब आता है लीनियर या नॉन लीनियर, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे इसके साथ तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर पावर लग रही है। मैंने क्या कहा था, डी वाई बाई डी एक्स या डी टू अपन डी एक्स के ऊपर पावर भी नहीं होनी चाहिए, तब वो क्या होगी लीनियर। तो अब ये क्योंकि यहाँ पे पावर लग रही है तो क्या बन गया, नॉन लीनियर बन गया, क्या बन गया, नॉन लीनियर। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो फिर क्या होता, फिर लीनियर बन जाता, क्या बन जाती, लीनियर। अब क्या है, नॉन लीनियर। ठीक है, ऐसा करते हैं, बचो एट्थ। ठीक है, एट्थ से बेटा, एट्थ में क्या करना है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की जगह क्या रखें, डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये तो पी की जगह ये एक नहीं है, तो पहले इसमें रख लो, ये यहाँ रखें डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन होगा। अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, इस टर्म के ऊपर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म के ऊपर तो फ्रैक्शनल पावर होनी नहीं चाहिए, रूट मतलब वन बाई टू पावर है, तो ये तो होने नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले हटाना पड़ेगा, हमें इस वन बाई टू को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी हो गया यहाँ पे कि इसको तो हमने हटाने पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा हमें। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या करते हैं हमने रूट लगा दिया। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, अब कह रहे हैं इसका हम स्क्वायरिंग खत्म कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, पावर वन बाई टू खत्म हो गई, हो गया पावर वन बाई टू खत्म। अब देखो यहाँ पे, अब सबकी पावर क्या होगी, इंटीग्रल पावर बन गई, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर बन गई। अब क्या करेंगे, अब इसको देख के ऑर्डर डिग्री बता सकते अपन, तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर मैक्सिमम डेरिवेटिव वन एक बार हुआ है, तो ऑर्डर इज वन, क्या होगा, ऑर्डर वन होगा। डिग्री बताओ, डिग्री इसको खोलोगे तो इसकी भी पावर टू आएगी, डी वाई बी डी एक्स की पावर टू आएगी, यहाँ से भी डी वाई बी डी एक्स की पावर टू है, तो दोनों की पावर मैक्सिमम टू आएगी, यानी डी वाई बी डी एक्स की पावर टू आएगी मैक्सिमम, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, टू ना, डिग्री क्या होगी इसकी, टू। अब देखो यहाँ पे, इसके ऊपर पावर आ रही नहीं आ रही, डी वाई बी डी एक्स के ऊपर पावर आ रही है, तो क्या हो गया, नॉन लीनियर। ठीक है बेटा, ये हो गया आठवां क्वेश्चन। नोवा देखो, इसको अच्छे से वीडियो को देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये देखो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखो बेटे, यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म के ऊपर रूट आ रहा है, ऐसा तो होने नहीं चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई पॉइंट डी एक्स के ऊपर तो पावर फ्रैक्शनल होने नहीं चाहिए। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे, पहले स्केयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, सॉरी स्केयर लगाओ, यहाँ पे इधर तो स्केयर लगेगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, ये आएगा। अब बताओ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज टू, क्योंकि इसमें मैक्सिमम दो बार डेरिवेटिव, ऑर्डर इज टू, और इसी को देख ऑर्डर बताया था, तो इसके मैक्सिमम पावर क्या है, टू है, तो डिग्री क्या आ गया, टू आएगी। ठीक है, अब लीनियर है नॉन लीनियर बताओ, बोलो इस डी वाई, इसकी ये डी टू वाई डी स्क्वायर के ऊपर पावर आ रही है, अगर पावर नहीं होती तो लीनियर थी, अब यहाँ पे पावर आ गई, क्या हो गया, नॉन लीनियर, क्या होगा, नॉन लीनियर। ठीक है, पक्का। अब देखो टेंथ क्वेश्चन, सारे ऐसे हैं, मैंने आपको सारे सर करवा दिए आपको, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। तो ये वीडियो ज़रूर देखना आपने, सभी बच्चों ने इसको तैयार करना है। ये देखो, अब क्या करना है, इसका डिग्री ऑर्डर लीनियर या नॉन लीनियर ये बताना है हमने। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आ रही है, और इस सारे के ऊपर क्या रहा है, रूट आ रहा है, तो रूट तो होने नहीं चाहिए, वन बाई टू तो पावर होने नहीं चाहिए, पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीग्रल पावर। तो इसको उधर ले आएंगे, या क्या होगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब, क्या करेंगे, स्केयरिंग कर देंगे, ये स्केयर हो गया, ये तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब बताओ, अब इसको देख के बताओ आप, व्हाट इज ऑर्डर मैक्सिमम, सॉरी एक बार तो हुआ मैक्सिमम डेरिवेटिव वन, मैक्सिमम एक बार तो हुआ डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है बस, ऑर्डर इज वन। अब बताओ इसकी डिग्री बताओ, तो डी वाई बाई डी एक्स को देख के हमने ऑर्डर बताया, तो इसके मैक्सिमम पावर तो तीन आ रही है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, तीन,
अब क्योंकि यहाँ डी वाई ऑफ डी एक्स के ऊपर पावर आ रही है तो क्या हो गया, नॉन लीनियर। ठीक है, सिंपल सी बात है। ग्यारहवा, वन बाई एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ये देखो, ये दे रखे हमें इक्वेशन, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखो, क्या मैं कैसे करता हूँ, एक्स इंटू ए की पावर एक्स, मैं एक्स को इधर लिया है मैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताओ, बराबर देखो इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर मैक्सिमम दो बार डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्या है इसमें, टू, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म आ रही है तो ऑर्डर टू। डिग्री बताओ, डिग्री, डिग्री क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पे वन है, तो डिग्री इज वन। और लीनियर या नॉन लीनियर है, ठीक है, ये हमने बताना है। तो क्या है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं आ रही, तो दिस इज लीनियर। और अगर ये वन बाई एक्स पे करते हो तो इसके साथ क्या होना चाहिए था, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए था, डिपेंड मतलब वाई की टर्म होनी चाहिए थी, यहाँ पे एक्स की टर्म आ रही है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स के साथ अगर ये वाई की टर्म होती ना तब तो क्या बन जाती है, नॉन लीनियर। अब यहाँ पे क्या है, एक्स की टर्म है, ठीक है, तो क्या है, दिस इज लीनियर। तो ये क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, इसमें क्या हो गया पावर के साथ, हाँ सॉरी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या होना चाहिए, वाई की टर्म होनी चाहिए, तब तो क्या होगा, लीनियर। अगर वाई की टर्म नहीं आ रही तो क्या होगा, सॉरी, वाई की टर्म होगी तो क्या होगा, नॉन लीनियर, वाई की टर्म नहीं होगी तो क्या होगा, लीनियर। ये अपने याद करना है। ठीक है, अगला देखिए, इसको बताना है लीनियर या नॉन लीनियर है, तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर मैक्सिमम कितना है, डेरिवेटिव हुआ दो बार हुआ तो ऑर्डर इज टू। ठीक है, अब डिग्री बताओ, डिग्री इसके ऊपर कितनी पावर आ रही है, इसको देख के हमने ऑर्डर बताया तो इसकी पावर भी तो टू है, तो डिग्री इज टू। अच्छा, इसके ऊपर देखो पावर आ रही है ना, डी एस डी टू एस अपन डी एक्स के साथ क्या आ रही है, पावर टू आ रही है। ठीक है, तो क्या हो गया बताओ, ये अभी नॉन लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, तेरह देखो, तेरहवा, अब एक चीज और तुम्हें मैं लिखवाऊंगा, वो चीज़ नोट करना। ठीक है, तेरहवें में बढ़िया सवाल देखो, तेरह यहाँ पे देखो, कोस के एंगल में क्या रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। जब किसी कोस के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, ध्यान रखना, कोस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई अपॉन डी एक्स के जैसे टर्म्स आ जाए तो क्या होता है, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्या होगी, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, तो डिग्री क्या होगी यहाँ पे, नॉट डिफाइन। ठीक है, ऑर्डर क्या, ऑर्डर, ऑर्डर इसका टू है, वैसे मैक्सिमम दो बार हुआ डेरिवेटिव। इसकी डिग्री डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि कोस के एंगल में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो एक चीज़ ये नोट करना है यहाँ पे, नोट क्या करोगे, नोट देखो, इफ देर आर डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एटसेट्रा इन द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पता लगे आपको, अगर इस तरह के टर्म एंगल में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल में आ जाए, ठीक है, देन दैट इक्वेशन, देन सॉरी, डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। पता लगे आपको, क्या बोला मैंने, कि जब डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जैसे टर्म अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल में आ जाए तो क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, डी वाई डी एक्स कोस के एंगल में आ गया तो क्या होगा, डिग्री डिफाइन नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर पावर आ रही है तो क्या हो गया, नॉन लीनियर भी है, क्या है, नॉन लीनियर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चौदह देख लो, क्या कहता है, वाई डबल डैश का क्यूब, वाई डैश का स्क्वायर और साइन वाई डैश प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑर्डर क्या, ऑर्डर टू है क्योंकि इसमें दो बार हुआ डेरिवेटिव। डिग्री क्या, डिग्री वाई डबल वाई डैश आ गया था यहाँ पे, क्या हो गया, वाई डैश। वाई डैश मतलब क्या होता है बताओ, अब डी वाई बाई डी एक्स तो साइन के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो क्या हो गया, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। अब बताओ वाई डैश के ऊपर क्या है, पावर आ रही है, यहाँ पे पावर आ रही है, तो जब इनके ऊपर पावर आ तो क्या हो गया, नॉन लीनियर है। ठीक है, अब बताए लास्ट क्वेश्चन,
ये देखो यहाँ पे, ठीक है भाई, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे पावर, देखो पावर इसके ऊपर 4/3 पावर डिवाइड, इसके ऊपर सारे के ऊपर क्या है 4/3 पावर लग रही है। ये पावर क्या है, नॉन इंटीग्रल पावर है। तो पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल पावर बनाओ। तो फिर क्या करेंगे, बोलो भाई क्या करेंगे, इसको पावर को क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहाँ पावर 4 बचेगी, यहाँ क्यूब करेंगे तो क्या होगा, पी क्यूब डी टू वाई अपन डी स्क्वायर की पावर 3 बचेगी, है ना, 3 पावर होगी ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब इसको देख के, अब देखो इसमें पावर के आगे सारी इंटीग्रल पावर आ गई, अब फ्रैक्शनल पावर ख़त्म हो गई। अब बताओ ऑर्डर क्या, ऑर्डर इसमें मैक्सिमम 2 बार हुआ डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इज 2, ठीक है। अच्छा जी अब आ जाओ डिग्री बताओ इसकी, डिग्री ठीक है, क्या बताएंगे इसकी डिग्री बताएंगे। तो डिग्री जब आप बताओगे तो डिग्री कैसे बताओगे, बताओ डिग्री। देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ये है, इसको देख के हमने ऑर्डर बताया था, तो इसकी पावर क्या यहाँ पे 3, तो डिग्री क्या होगी यहाँ पे 3। जिस टर्म को देख के हमने ऑर्डर बताया उसकी मैक्सिमम पावर क्या है वही क्या होगी, डिग्री कहलाएगी। अब जो लीनियर नॉन लीनियर है इसके ऊपर क्या आ गया, 3 पावर आ गई, दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है सारा मैंने आपको बताया है, इसमें 2 पेज बने इस एक्सरसाइज के लिए, 2 पेज बने, ठीक है। ये 2 पेज का जो PDF है मैं आपके पास भेज दूँगा, आप इनको अच्छे से समझना। और ये आपका लीनियर और नॉन लीनियर की कंडीशन, ठीक है, मतलब क्या वो लीनियर क्या होती है इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं अपन, फर्स्ट एक्सरसाइज मेरे ख्याल से होगी, इसको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, हर बार लगभग आ जाता है। इसको अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है, फिर हम अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।